क्या कर रहा है ये? उस्ताद जी चल चल भाई चल। उस्ताद जी जी के बच्चे। उस्ताद जी क्या नाम है तेरा? अली रजा। कहाँ से आया है? दोसीपुरा। इसके पहले कहाँ पढ़ता था? मदरसे में। उस्ताद जी सिर्फ उस्ताद जी बोलता है जफर। एबीसीडी आती है 1 2 पोएम। क्या था तेरे को? क्या सिखाया अब तक? हाँ सुनो तो सिखाओ। सुनाओ सबको क्या था तुझे? क्या सुनाओ? الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Get down from my car. फोन पाकिस्तानी खंडर क्या है? कहां मिला ये? कहां मिला? कहां से लाया? अरे मिस्टर भारद्वाज बंद कीजिए, मार डालेंगे कैसे? ये पाकिस्तानी खंडा लेके आया, देख रहे थी कारतूस। कौन है? मेरे पापा सब के सब देश के दुश्मन हैं। मे आई कम इन सर? कम कम सर, आपका लेटर है। लेटर? जी ओके जाओ। इनोसेंट है, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और पता नहीं क्या क्या लिखा है इस खत में। दादा साहब ये क्या तमाशा है? आज ये चिट्ठी लिखकर धमकी दे रहा है, कल यही लड़का स्कूल में बम फोड़ेगा। बड़ी जंगली। प्रिंसिपल साहब। सर मैंने आपसे कहा था इस स्कूल में इन जंगलियों का कोई काम नहीं है, लेकिन आप माने नहीं। सर आप अब भी सोच रहे हैं? निकाल के बाहर कीजिए लोगों को इस स्कूल से। कमान सर राइट नाउ, जरा सोचिए सर, इसने तो अपने टीचर की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। इज्जत का ख्याल तो आप नहीं रख रहे। अच्छा आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाजी मैं बात कर रहा हूँ, आप घर चलिए। बात करनी तो मुझे।
पाजी मैं हूँ ना। तुम इतना डरते क्यों हो? हाँ तो क्या कह रहे थे आप? क्या बकवास कर रही हैं आप? आप जुल्म कर रहे हैं इतने से बच्चे पे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और आप अपनी हदें लाग रही हैं। और बच्चे के साथ जो आपने जुल्म किया वो हदों में रह के किया। बेचारा बच्चा एक झंडा लेके आ गया तो आपने उसको पाकिस्तानी बना दिया। एक खत क्या लिख दिया आपको जो आपको पढ़ना नहीं आता तो आपने उसको आतंकवादी बना दिया। आप पढ़ सकते हैं इस खत को? उर्दू आती है आपको? आपको उर्दू नहीं आती तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो क्या वो इंसान नहीं रहा? उसकी रगों में खून नहीं है आपकी तरह? लाइए मुझे दीजिए खत, मैं देखती हूँ क्या लिखा है इसमें। लीजिए। सुनिए क्या लिखा है इस खत में। अली के उस्ताद जी को मेरा सलाम। आपने अली को स्कूल में दाखिला देके बहुत अच्छा किया। मैं चाहती हूँ कि वो डॉक्टर बने। डॉक्टर तो स्कूल में ही पढ़कर बना जा सकता है। अली आपकी तारीफ करता है। हम जानते हैं कि अली को कुछ नहीं आता, इसलिए आप उसको बार बार मारते पीटते हैं। लेकिन वो सीख जाएगा। उसको कुरान के 21 पारे याद हैं, अंग्रेजी के सबक भी याद कर लेगा। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप उसको मारे पीटना। एक बात और, अली ने हमें ये बताया कि उस दिन स्कूल में चांद तारे वाला झंडा लाने के लिए आप ही ने कहा था। कैसे वाली बेटा, कल क्या है? 26 जनवरी। हाँ तो कल क्या लाना है? झंडा। कौन सा झंडा लाओगे? हाँ बेटा, मदरसे का झंडा ले आना, ठीक है? ठीक है सर। जाओ तुम। जिसके लिए उसको बहुत मार पड़ी, लेकिन मेरे अलावा उसने किसी और से नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि इस बात के लिए शायद आपको तंग पड़े। कुरान शरीफ में लिखा है कि बुरा करने वालों के साथ अल्लाह बुरा ही करता है। फिलहाल इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं। अली के साथ थोड़ी सी नरमी के साथ पेश आइए। अली की फूफो जहरा रजा।